हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं नबील अहमद, आज फिर से हम लोग किसी न किसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो आज हमने सोचा है जो टॉपिक, उस टॉपिक जनरल है मगर स्पेशली कंस्ट्रक्शन पीपल के लिए है और यूज़फुल है हमारे सेफ्टी प्रोफेशनल के लिए। तो हम लोग यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो सन एक्सपोज कर सकता है, हाउ द सन एक्सपोज टू द एम्प्लॉय दोज हु आर वर्किंग इन द आउटसाइड, कैसे एक्सपोज करता है। तो सन एक्सपोजर कैन किल यू, आपको मार सकता है। तो इसी पे आज हम बात करेंगे। जो सन है, इट इज एंड रिलीज द नेम ऑफ दैट रेज द अल्ट्रा वायलेट। इसका जो नाम है, जो अल्ट्रा वायलेट रेज है जो सन के अंदर पेंट है, और जो लोग भी बाहर काम कर रहे हैं, दिस इज द रिलेटेड टू एवरी वन, बट स्पेशली इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पार्टिकुलर पर्सन, सो हु आर दैट दो कंस्ट्रक्शन पीपल, जो लोग काम कर रहे हैं आउटसाइड में, देर इज़ नो शेड ऑन द प्लेस, देर इज़ नो वेलफेयर फैसिलिटीज एंड दे आर द वर्किंग कम्प्लीटली फुल डे अंडर द सन, तो क्या होगा? इट माइट बी द काउज ऑफ रिंकल्स, रेडनेस हो जाएगा। और द फर्दर इफ दे विल वर्क द कंटिन्यूसली द लॉन्ग टाइम, इट माइट बी काउज ऑफ कैंसर, स्किन कैंसर हो सकता है। तो आज इसी पे हमारा सीजन है, जो समर सीजन है। अभी मेरे जहन में ये बात आई कि अभी जिस तरह का यहाँ पे गल्फ की बात करें तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डे बाई डे बढ़ रहा है, और ये सितंबर, पूरा सितंबर तक है। जो इस तरह ह्यूमिडिटी है, हीट इंडेक्स की बात करें तो 59-56 जा रहा है, मगर क्या करे बंदा। मगर हम लोग उसको रिड्यूस कर सकते हैं, और द थाउजेंड ऑफ थाउजेंड पीपल, इफ आप जाके सर्च करें तो थाउजेंड ऑफ थाउजेंड पीपल इन द यूरोप इन द यूके दे हैव बीन द सफरिंग फ्रॉम द स्किन द मेलानोमा, दिस इज द वन टाइप ऑफ स्किन कैंसर। तो इस तरह का स्किन कैंसर का चांसेस होता है। बाहर काम कर रहे हैं उसमें एम्प्लॉयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है, ठीक है, एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हो सकती है, और क्या हम कंट्रोलिंग मेजर वहाँ पे हम ले सकते हैं कि इसके जो रिस्क है, हाउ कैन वी रिड्यूस द एक्सपोजर रिस्क, है ना, हम किस तरह से रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर इसकी फैक्ट की बात करें तो मैं एक पढ़ रहा था, यूके में अगर देखा जाए तो जो 60 पीपल जो हैं, द एवरी ईयर 60 पीपल किल ड्यू टू दिस स्किन कैंसर, और मोर देन 1700 पीपल जो है वो रिपोर्टेड किए जाते हैं। तो ये एक वाकई में, मतलब कहा जाए तो कंस्ट्रक्शन पीपल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और हम लोगों को चाहिए। तो हम चलते हैं, बात करते हैं एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। देर आर डिफरेंट द लीगल रेगुलेशन एंड डिफरेंट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये कंट्री बाई कंट्री डिफरेंट हो सकता है। यूके में देखें, क्योंकि मैं ज़्यादातर आयोस के बेस पे मैं कोई भी बात कर रहा हूँ, तो आप यूके में, यूरोप में देखें तो ये कंट्री वाइज कंट्रीज डिफरेंट हो सकता है। अगर कंट्रीज की बात करें तो ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एम्प्लॉयर की, दे शुड टेक केयर दे आर द वर्कर्स, हैं उनको ध्यान देना है, दे शुड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द सन एक्सपोजर, उनको प्रोटेक्ट करना है। तो ये एक चीज़ है एम्प्लॉयर की। अगर इसमें कुछ कंसीडर भी उनको करना है कि यस, हु आर द पीपल आर द वर्किंग द आउटसाइड द मोस्ट ऑफ टाइम, ठीक है, ये भी उनको देखना है। ये भी देखना है कि ये डे डे ऑफ ईयर भी चेंजिंग हो सकता है, हर साल में 365 डेज, हर दिन तो ज़्यादा आपका अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सन में नहीं रहेगा। उसी तरह देखना है कि कौन सा, मतलब आवर ऑफ डे है कि जिसमें एक्सपोजर, जैसे कि आप देखें तो 12-3 है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का जो पोटेंशियल है वो हाई होता है, तो उस टाइम में क्या करें, क्लोज कर दें एक्टिविटीज आउटडोर। तो वो फिर वो भी चेक करें एम्प्लॉयर विद द हेल्प ऑफ नर्स, विद द हेल्प ऑफ मेडिकल चेकअप, कि जो बंदा है, जो वर्कर है, जो काम कर रहा है, व्हाट टाइप ऑफ द स्किन ऑफ दैट वर्कर्स, किस टाइप का स्किन है, क्योंकि उस पर हम बाद में बात करेंगे, स्किन पे भी और जेनेटिक पे भी डिपेंड करता है। सपोज अफ्रीका में काम करने वाले, वो भी उनका एक अलग ही, मतलब वो कम अगर है भी तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कम, मतलब उनको एक्सपोज करेगा। तो ये सब एम्प्लॉयर को कंसीडर करनी चाहिए। उसके बाद अगर लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे शुड फाइंड आउट दोज पीपल्स हु आर द वर्किंग द आउटसाइड एंड व्हाट दे आर डूइंग द आउटसाइड द हार्ड वर्क लाइट वर्क, तो उनको देखना है ना, दे शुड प्रोवाइड एम्प्लॉयर को क्या क्या चाहिए, प्रोवाइड ऑल फैसिलिटीज एंड आप हमेशा सुनते हैं कि सेफ वर्किंग प्लेटफॉर्म फैसिलेट करना है, तो ये सारा चीज़ उनको शेड या वेलफेयर जो भी फैसिलिटेट करना है।
जो उनको फ्लूड देना है या रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करना है उस टाइम में, ये सब भी देखना है, उनको मॉनिटर करना है, ठीक है, असाइन करना है बंदा जो मॉनिटर करे, उसी तरह से एक जो इंडेक्स अल्ट्रावायलेट इंडेक्स चेक करे, ये हो सकता है कि बंदा असाइन करे जो फोरकास्ट को मतलब मॉनिटर करे कि भाई अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का क्या परसेंटेज है, ये ज़्यादा है कम है, ये एक्सपोज कर सकता है कि नहीं। उसी तरीके से इम्प्लॉय को और भी चीज़ देखना पड़ सकता है, अगर कोई व्हीकल्स है तो उसमें ग्लासेस है कि नहीं है, जो ग्लासेस का जो थिकनेस है वो सही है कि नहीं, सन प्रोटेक्टेड है कि नहीं व्हीकल। उसी तरीके से और भी एम्प्लॉयर को है कि मेक श्योर करना चाहिए ही शुड बी प्रोवाइड ऑल दिस फैसिलिटीज विच विल बी हेल्प टू द पीपल्स टू प्रिवेंट फ्रॉम द एक्सपोजर, द सन एक्सपोजर, उनको देखना है। उसी तरीके से उस बंदे को भी असाइन कर काम कर सकता है आउटडोर, कौन बंदा इनडोर काम कर सकता है, उनको इनकरेज भी करना है बंदे को ही। Employer should organize the one training, है ना, क्या है कि उनको training भी दे उसके बारे में कि how it could be the harm to you, कैसे ही harm कर सकता है, how it is the dangerous for your the skin, for your health, awareness session develop करे employer, और बंदे को encourage करे, blaming culture को ख़त्म करे, तो इससे क्या होगा कि बंदे में awareness develop होगा, बंदे भी अपना केयर करेंगे। बाय द वे आप सब फैसिलिटेट कर दिए हैं, फैसिलिटी प्रोवाइड कर दिए हैं, प्रोटेक्टिव इवन क्लॉथिंग भी दे दिए हैं, जो पीपीज भी दे दिए हैं, सनग्लासेस दे दिए हैं, एवरीथिंग दे दिए हैं, बट दे आर नॉट यूजिंग ऑन द साइड, तो क्या होगा कि दिस आर द टोटली द वेस्टेज। तो हम लोग अवेयरनेस डेवलप करेंगे, एम्प्लॉयर को अवेयरनेस दें, वो किसी के थ्रू दे, वो असाइन करे ट्रेनिंग सेशन या जो भी है, इस तरह का अवेयरनेस डेवलप किया जाए। रिपोर्टिंग करें कि अगर बाय द वे कोई बंदा अगर इस तरह का फील कर रहा है, इस तरह की आके अपने सीनियर सुपरवाइजर को बताए, टाइम टू टाइम गो टू द मेडिकल फॉर द फर्दर चेकअप, चेकअप की खुद के लिए जाए, क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस होता है, जाके एक बार चेक करा लो, कुछ अगर रेडनेस आया है तो इस तरह का क्या है कि जो फर्दर स्किन कैंसर है मेलोनोमा उससे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। अब इम्प्लॉय की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इम्प्लॉयर ने सारे फैसिलिटेट कर दिया, हर चीज़ फैसिलिटी दे दिया, तो इम्प्लॉय को क्या करना चाहिए, इम्प्लॉयर मतलब बाई योर सेल्फ हैं, दे शुड बी आस्क, उनको पूछना चाहिए खुद से, क्या इम्प्लॉयर ने जो फैसिलिटी दिया है, जो डायरेक्टेड किया है, जो सजेस्टेड किया है, जो इंस्ट्रक्शन दिया है, जो रूल्स है कि व्हाट वी आर द फॉलोइंग, that is all this rules, what the protective cloth the employer provided me, जो दिया है कपड़ा प्रोटेक्टिव को, क्या हम पहन रहे हैं, क्या पीपीस पूरा पहन रहे हैं, क्योंकि उनको ये समझना होगा कि ये मेरे लिए बेनिफिट के लिए है और मेरा ये जो भी एक्सपोजर हो सकते हैं, यही रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि जो भी चीज़ दिया जाता है उसको वो यूज़ करे, जो भी डायरेक्शन है, जो रूल्स है, रेगुलेशन साइट पे है, उसको वो फॉलो करे, है ना। इस तरह का अगर कोई भी जरा सा भी फील होता है, कोई भी ऐसा सिम्टम, तो वो रिपोर्ट करे। उसी तरीके से ही हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही हैज़ द राइट टू आस्क फ्रॉम द एम्प्लॉयर है, इफ दे वॉन्ट नो मोर अबाउट द सन एक्सपोजर ही शुड आस्क विदाउट हेजिटेशन, ही उसको पूछना चाहिए, ही कैन आस्क टू द सुपरवाइजर, ही कैन आस्क टू द सेफ्टी ऑफिसर ऑन द साइट, है ना, वो पूछ सकता है कि what we are the doing these things, what this all these things the cause of the exposures to me, है ना, ये सब हमको कर सकता है एक्सपोज, पूछना चाहिए उसको खुद भी, ये नहीं कि नहीं पूछ रहे हैं छोड़, इससे क्या होगा, तो कब होगा जब कल्चर डेवलप करेगा, अवेयरनेस डेवलप, तो उनको पूछना है मोर जानने के लिए, उनको पूछना है, सपोज प्रोटेक्टिव क्लॉथ उसको नहीं मिला है, तो वो जाके वो अपना राइट है कि वो उससे प्रोटेक्टिव क्लॉथ ले, है ना, जो भी सन ग्लासेस ले, जो भी सेफ्टी प्रोटेक्शन है, सन एक्सपोजर प्रोटेक्शन है, उसको पूछ सकता है एम्प्लॉयर से, अगर कोई भी ऐसा सिम्टम हो रिपोर्ट करे। तो ये सब बेसिक इम्प्लॉय की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि उसको भी वो फुलफिल करे और सपोर्ट करे, ठीक है, तो डेफिनेटली दे कैन सेव देयर लाइफ, दे कैन प्रोटेक्ट फ्रॉम द सन एक्सपोजर, है ना, जो भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, स्किन प्रोटेक्ट हो सकता है, ये एक इतना ईजी नहीं है, पता भी नहीं चलता है कब मतलब इस तरह का प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, तो इसके लिए इसको हम लोग साइड पे सीरियस लेके, इसीलिए अगर आप देखें जाए द डिफरेंट कंट्री वाइज कंट्रीज द रेगुलेशन इज डिफरेंट, अगर सऊदी अरबिया की बात करें तो 12 to 3 क्या है, यहाँ पे बैंड है, प्रोहिबिटेड है, नो वन विल बी अलाउड टू वर्क आउटसाइड अंडर डायरेक्ट सन, शेड इज देयर नो प्रॉब्लम, दे कैन डू अंडर द शेड,
मगर कोई भी बंदा बाहर नहीं काम कर सकता है, आपको पता ही हो। तो ये चीज़ इम्प्लाई की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। और भी होगी जो हमारे जहन में आ रहा है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को भी, अगर इस तरह का कोई और भी है इसमें पॉइंट तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, ठीक है। इससे मुझे भी, इससे अगर फाइनल बात करें तो कुछ हम लोग मिथ है, मिथ मतलब एक भ्रम है लोगों का। सम पीपल्स थिंक दैट इज टेम्परेचर विल बी हाई देन वी कैन से द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज हाई। नो, समटाइम इसमें भी कभी कभी आप एक्सपोज हो सकते हैं, उसमें भी आपका अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है। तो इट डज नॉट ए मैटर्स दिस टेम्परेचर इज हाई या क्लाउडी, सो वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ ऑल टाइम। उस टाइम में भी सन एक्सपोजर हो सकता है। ये भी नहीं करना कि मैं बहुत मतलब स्ट्रांग हूँ एंड नथिंग विल बी हैपन, है ना। हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अगर कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन और भी ज़्यादा है तो आप कॉमेंट बॉक्स में डालें, शेयर करें, तो हम लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। टेक केयर, थैंक यू।